हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब आई होप आप सब ठीक होंगे आज की वीडियो में हम सेमेस्टर फोर वी ए सी सब्जेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी के यूनिट नंबर टू करने जा रहे हैं यूनिट टू लेसन वन बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेस यूनिट वन ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं सो so, आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेस सो so, इसके अंदर पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैंक्स बैंक्स आप जानते ही होंगे क्रूशल रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में हमारी मनी को मैनेज करने के लिए और साथ ही साथ ये और भी काफ़ी सारे फाइनेंशियल सर्विसेस हमें प्रोवाइड करते हैं तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स बैंक्स कितने तरह के होते हैं तो पहला है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आर ये तो आप जानते ही होंगे कि ये बैंकों का बैंक है एंड जितने भी बैंक्स हैं हमारी कंट्री के अंदर उन सबको ये रेगुलेट करता है और मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है साथ ही साथ करेंसी भी आर बी इशू करता है और बैंकिंग सिस्टम स्टेबिलिटी इंश्योर करता है सेकेंड है कमर्शियल बैंक्स ये बैंक्स लोगों से डिपॉजिट लेते हैं और उन्हें बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे कि लोन्स हो गया अकाउंट खोलना हो गया ये सब फिर है रीजनल रूरल बैंक्स आर आर बीज ये बैंक जो होते हैं ये रूरल एरियाज़ में लगाए जाते हैं गवर्नमेंट इसे इस्टेबलिश करती है ताकि जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनको बैंकिंग सर्विसेज़ मिल सके फिर है पब्लिक सेक्टर बैंक्स पी एस बी ये बैंक वो बैंक होते हैं जिनमें जो 50 परसेंट से ज़्यादा ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है जैसे एग्जाम्पल एस फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जिसके अंदर पचास परसेंट से ज़्यादा ओनरशिप इंडिविजुअल के पास होती है जैसे कि आईसीआईसी बैंक या फिर एचडीएफसी हो गया फिर है कोऑपरेटिव बैंक्स ये बैंक्स जो होते हैं इनका मकसद प्रॉफिट या लॉस कमाना नहीं होता है इस बैंक के जो मेंबर्स होते हैं वही इसे ओन करते हैं लेकिन इन्हें भी आरबीआई की बात माननी पड़ती है और ये रूरल और अर्बन दोनों ही तरह के हो सकते हैं फिर नेक्स्ट है फॉरेन बैंक्स ये बैंक्स फॉरेन कंट्रीज़ में होते हैं लेकिन ऑपरेट इंडिया से किए जाते हैं इसी वजह से इन्हें आर की बात माननी पड़ती है एग्ज़ाम्पल एच हो गया या फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंट बैंक्स ये बैंक्स जो है वो डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर हैवी इंडस्ट्रीज़ लगाना फिर है नेक्स्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कि जो एक्टिविटीज़ होती है उनको फैसिलेट करते हैं फिर है हाउसिंग बैंक्स ये हाउसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ फाइनेंस करते हैं जैसे होम कंस्ट्रक्शन हो गया रिपेयरिंग हो गई या रेनोवेशन हो गया अब नेक्स्ट टॉपिक है बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो कभी आपने सोचा है कि बैंक की जो मेजर इनकम आती है वो कहाँ से आती है उनका सोर्स क्या है इनकम का तो बैंक जो है वो डिपॉज़िट लेती है कस्टमर से और उनको एक उस पर इंटरेस्ट मिलता है लेट सपोज़ टू परसेंट का उन्हें इंटरेस्ट मिलता है जो भी वो डिपॉज़िट करते हैं लोग और बैंक जो है उसी पैसे से लोन बांट देती है और जब वो लोन बाँटती है तो वो उस पर लेट सपोज़ टेन परसेंट का इंटरेस्ट लेती है तो ये जो गैप आया है बिटवीन टू परसेंट एंड टेन परसेंट यही जो बीच का गैप होता है यही उनका सोर्स होता है मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है बैंक का अब जानते हैं कि और क्या क्या सर्विसेज़ जो है वो बैंक हमें प्रोवाइड करता है तो पहले तो वही लोन बांटने की सर्विसेज़ वो हमें प्रोवाइड करता है सेकेंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये बिज़नेस मैन के लिए होती है जितना अगर हमारे अकाउंट में पैसे होते हैं उससे ज़्यादा भी हम निकाल सकते हैं और ये जो लिमिट है ये हमारे गुडविल देख के सेट की जाती है थर्ड है डिस्काउंटिंग बिल्स इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं जैसे कि एक कंपनी है टाटा मोटर्स जो कि कार बनाती है और एक और कंपनी है एम जो कि टायर्स बनाती है तो टाटा मोटर्स को हर महीने कुछ टायर्स की ज़रूरत होती है तो वो एम से टायर्स ख़रीदती है लेट सपोज़ सौ करोड़ का उन्होंने सामान लिया तो तो उन्होंने बोला कि टाटा मोटर्स ने बोला कि हम एक महीने बाद तुम्हें, तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे तो फिर एम फिर पूछता है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो इसकी क्या गारंटी है तो फिर इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसका नाम है डिस्काउंटिंग बिल्स इस एग्रीमेंट के अंदर लिखा रहता है कि टाटा मोटर्स ने इस डेट पे एम से इतने मतलब सौ करोड़ का माल लिया है जो कि वो एक महीने बाद वापस कर देंगे जिसके पैसे सो ऐसा ये एग्रीमेंट होता है इनके बीच में अब अब ये होता है कि एम को मान लो कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है और उन्हें सौ करोड़ की ज़रूरत पड़ती है तो अब इस केस में एम क्या कर सकती है तो एम क्या करेगा कि अपने बैंक जाएगा लेट सपोज एस वो जाएगा अपने बैंक उनसे बोलेगा कि मुझे सौ करोड़ का लोन चाहिए तो बैंक बोलती है कि लोन तो हम दे देंगे बट आपको एक सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी तो फिर एम क्या करता है कि डिस्काउंटिंग बिल्स को एज़ अ सिक्योरिटी जमा कर देता है बैंक के पास और बैंक भी उसे ले लेता है अब क्या होगा कि एक महीने बाद टाटा मोटर्स बैंक को वो सौ करोड़ दे देगी इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो एम है उसको अपनी नीट के टाइम पे पैसे मिल गए और उसे अपनी पेमेंट के लिए वेट भी नहीं करना पड़ा नेक्स्ट है इन कैशिंग चेक्स तो बैंक के अंदर ये फैसिलिटी होती है कि हम अपने चेक ले जा सकते हैं और उस चेक को हम कैश में कन्वर्ट करके पैसे ला सकते हैं ये उसी में होता है जिस बैंक में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन वाली फैसिलिटी हो इस फैसिलिटी के थ्रू एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं आज के टाइम पे हर एक बैंक के अंदर ये फैसिलिटी होती है फिर है कलेक्टिंग एंड पेइंग क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स बैंक एक प्रोटेक्टर की तरह काम करता है अपने कस्टमर्स के लिए जो कि अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे प्रमिसरी नोट्स और बिल्स कलेक्ट और पे करता है फिर है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बैंक जो है वो फॉरेन की करेंसी को एक्सचेंज भी करता है लोकल करेंसी में सेवन है फाइनेंशियल कंसल्टेंसी काफ़ी सारे बैंक्स ये फैसिलिटी ऑफर करती है जिससे कि कस्टमर्स की हेल्प हो सके कि वो अपनी वेल्थ और ज़्यादा बढ़ा सके वेरियस इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू जैसे स्टॉक मार्केट और बैंक अश्योरेंस बैंक अश्योरेंस यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेके या फिर टैक्स मैनेजमेंट के लिए फिर यूटिलिटी बिल्स पेमेंट बैंक जो है ये पेमेंट ऑफ़ यूटिलिटी बिल्स भी फैसिलेट करते हैं जैसे बिजली का बिल या फिर पानी का बिल ये सब फिर अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स तो पहला अकाउंट है सेविंग बैंक अकाउंट सेविंग अकाउंट एक तरह का सेफ जगह है उन लोगों के लिए जिनके पास लिमिटेड इनकम है और वो मनी को सेव करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए तो इस अकाउंट को हम ओपन कर सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी से और एक मिनिमम बैलेंस हमें इसमें रखना पड़ता है बैंक हमें इंटरेस्ट पे करती है इस पर हर एक तीन महीने बाद और हम जब चाहे इससे पैसे विदड्रॉ कर सकते हैं आइधर ऑनलाइन या फिर बैंक जाके और जो लोग हैं बाकी कंट्रीज़ के वो भी सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं इंडिया के अंदर बस उन्हें एक जॉइंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा एक इंडियन पीपल के साथ और इसके अंदर हमें कुछ केवाईसी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं इस अकाउंट को खोलने के लिए फिर सेकेंड है टर्म डिपॉजिट ये एक तरह का एफ डी की तरह होता है जिसके अंदर हम कुछ मनी रख देते हैं सर्टेन पीरियड ऑफ़ टाइम के लिए ये पीरियड ऑफ टाइम शॉर्ट भी हो सकता है जैसे कि एक मंथ से ले कर तीन साल तक हो सकता है इसके अंदर हमें कुछ पैसे जमा करवाने पड़ते हैं लोग इस टर्म डिपॉज़िट को यूज़ करते हैं जिसकी मदद से वो मनी को सेव कर पाए लंबे समय तक के लिए बैंक जो है इस पर हायर इंटरेस्ट पे करती है कंपैरिजन अगर हम करें सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से और इसके अंदर इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है मैंने यहाँ पे लॉकिंग मनी अप फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम टू सिक्योर हायर इंटरेस्ट पेमेंट मतलब अपनी मनी को लॉक कर देना एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जिसपे हमें इंटरेस्ट पेमेंट भी ज़्यादा मिलेगा और इसके अंदर हम बीच में कभी भी विड्रॉल नहीं कर सकते मनी को फिर है करेंट अकाउंट ये बिग बिजनेसमैन मैन कंपनीज़ और बाकी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं इसके अंदर ये सेविंग अकाउंट की तरह बिल्कुल भी नहीं होता इसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं होती विड्रॉल्स के लिए इसमें हम कितनी कितनी बार भी चाहे तो उतनी बार विड्रॉल कर सकते हैं और ये ज़्यादातर बिग बिजनिस के लिए होता है जिस जिसकी वजह से वो मल्टीपल विड्रॉल्स कर सके एक ही दिन में और ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू वो अपने जो बैलेंस है वो भी चेक कर सकते हैं इस पर कोई भी लिमिट नहीं होती ट्रांजैक्शन के लिए और इस पर इन्हें इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है इंटरेस्टेड पार्टीज़ वो अपना देख सकते हैं कि कितना भी उनके पास बैलेंस है थ्रू और बैंक जो है वो ऑफ़र करते हैं कुछ सर्विसेज करेंट अकाउंट होल्डर्स के लिए जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र हो गया वायर ट्रांसफ़र नेट बैंकिंग ये सारी चीज़ें फिर नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉज़िट ये अकाउंट परफेक्ट है उन लोगों के लिए जो कि एक गुड रिटर्न ऑफ मनी अर्न करना चाहते हैं इसके अंदर हम हर एक महीने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी डिपॉज़िट करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए और एट द एंड हमें लमसम मनी मिल जाता है जिसके अंदर जितने भी हमने डिपॉजिट किए हैं वो भी हमें वापस मिल जाता है और साथ ही साथ जो हमें इंटरेस्ट मिला है उस पर वो भी हमें एक साथ मिल जाता है जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होता है हर एक थ्री मंथ्स बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन यानी हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं तो पहला है पैन कार्ड पैन कार्ड का फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर ये एक स्पेशल टेन डिजिट का कोड होता है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें देता है ये एक आईडी कार्ड की तरह होता है फॉर टैक्स पेयर्स इन द कंट्री यानी कि पैन कार्ड से हमें पता चलता है कि कंट्री के अंदर कितने ज़्यादा टैक्स पेयर्स हैं पैन गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि वो देख सके ट्रैक रख सके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का और उन्हें वेरीफ़ाई कर सके ये यूज़ किया जाता है जिससे कि डिफ़रेंट डॉक्यूमेंट्स लिंक करे जा सके टैक्सेस असेसमेंट वग़ैरह और बाकी जो टैक्स रिलेटेड चीज़ें हैं उनको लिंक किया जा सके इंडिविजुअल्स के लिए और ऑर्गेनाइजेशन और के लिए पैन हेल्पफुल होता है टैक्स इवेजन को कम करने में और जो आ, मात्रा है लोगों की जो टैक्स पे करते हैं उसको बढ़ाने में सेकेंड है एड्रेस प्रूफ एक बैंक अकाउंट खोलने से पहले बैंक को ये श्योर होना पड़ता है कि आप कौन है और मतलब आपका एड्रेस वग़ैरह क्या है सो so, इसके लिए वो आपसे एक प्रूफ मांगते हैं आपके एड्रेस का ये कोई भी वैलिड प्रूफ हो सकता है इसके अंदर हम कुछ भी दे सकते हैं जैसे पासपोर्ट हो गया पासपोर्ट हो गया ड्राइविंग लाइसेंस हो गया वोटर आईडी कार्ड जॉब कार्ड एन के थ्रू या फिर आधार कार्ड हम दे सकते हैं या फिर यूटिलिटी बिल्स यानी कि बिजली का बिल भी दे सकते हैं जो कि दो मंथ्स पुराना हो बैंक अकाउंट या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट दे सकते हैं हम जो कि तीन महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए उसके साथ एक चेक प्रॉपर्टी टैक्स बिल या फिर म्यूनसिपल टैक्स रिसिप्ट दे सकते हैं जो कि एक साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए या फिर कोई भी दूसरा अदर्स अदर डॉक्यूमेंट जो कि स्पेसिफाइड हो बैंक के द्वारा नेक्स्ट है केवाईसी नॉर्म्स केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो बैंक है वो वेरीफाई करते हैं कस्टमर्स को और ये देखते हैं कि वो जनवन है कि नहीं के के अंदर कस्टमर की डिटेल्स को भी रेगुलरली अपडेट किया जाता है बैंक्स कॉन्टैक्ट करते हैं अपने कस्टमर्स को कि वो टाइम टू टाइम अपनी डिटेल्स को अपडेट कर लें फिर नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स तो पहला है एजुकेशन लोन क्योंकि एजुकेशन की जो फीस है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इसकी वजह से स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन की ज़रूरत पड़ जाती है अपनी फीस और अदर एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए बैंक जो है वो स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन देते हैं बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे और जो बोरोअर्स हैं उनको टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है इस पर अंडर सेक्शन एटी ई ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इसको अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स को एक लोन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्म सबमिट करना पड़ता है कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर अगर सब कुछ सही रहा तो उनको आसानी से ये लोन मिल जाता है और उनके लिए मैक्सिमम टाइम एट आठ साल होता है इसको वापस करने के लिए फिर नेक्स्ट है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स का मतलब होता है एक ऐसा लोन जो कि हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को ख़रीदने के लिए लेते हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि एटलीस्ट तीन साल तक रहे तो इसके अंदर हमें कोई भी सिक्योरिटी या कोलेट्रल जमा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके अंदर हमारे गुडविल पे हमें मिल जाते हैं और इसके अंदर आपकी इनकम होनी चाहिए एटीन uh, थाउजेंड से ट्वेंटी थाउजेंड आई एन आर या फिर उससे भी ज़्यादा और इन लोन्स का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हाई होता है क्योंकि ये बहुत जल्दी अप्रूव हो जाते हैं और इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं पहला इंस्टॉलमेंट लोन्स ये कुछ कॉमन लोन्स होते हैं जो कि रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स पे जमा करवाने पड़ते हैं इसके जो रेट है वो फिक्स हो भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है फिर सेकेंड है सिक्वाड कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन इसके अंदर सिक्योरिटी जमा करवाई जाती है और अनसिक्योर्ड कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स इसके अंदर कोई भी सिक्योरिटी जमा नहीं करवाई जाती है और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई होता है इसी वजह से जैसे कि एग्जाम्पल है एसी खरीदने के लिए हमने लोन ले लिया लैपटॉप मोबाइल फ़ोन टीवी ऑडियो डिवाइस या वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए फिर है वेकी लोन वेकिल लोन भी दो तरह के हो सकते हैं पर्सनल व्हीकल लोन जब हम अपने लिए कोई व्हीकल लेते हैं जैसे स्कूटी या फिर बाइक वगैरह और कमर्शियल व्हीकल लोन जैसे कि हम ऑटो वगैरह ले रहे हैं पब्लिक के लिए तो वो हो गए कमर्शियल व्हीकल लोन्स और इसके लिए हमें कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है ये बैंक और फाइनेंस कंपनीज़ ऑफ़र करते हैं इन लोन्स को कॉम्पिटिटिव रेट्स पे काफ़ी कम इनका होता है और इसके लिए हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरह से अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए हमें एक फ़ॉर्म फिल करना पड़ता है कौन सी कार चाहिए मॉड मॉडल कौन सा है मैनुफेक्चरिंग डेट वगैरह और डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ते हैं इन लोन्स को हमें रीपे करना पड़ता है ओवर सिक्सटी मंथ्स के पीरियड में और जो लोन अमाउंट होता है वो डिपेंड करता है कि, कि कितनी महंगी कार आप ले रहे हैं कितने महंगा जो व्हीकल है वो आप ले रहे हैं फिर नेक्स्ट है होम लोन्स होम लोन्स जब भी हम होम को बनाने के लिए घर बनाने के लिए या रेनोवेशन या रिपेयरिंग के लिए जब लोन लेते हैं तो वो होम लोन्स के अंदर आता है इसके अंदर काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं जैसे कि इजी अवेलेबिलिटी बहुत आसानी से हमें होम लोन मिल जाता है ज़्यादा पेपर वर्क भी नहीं करना पड़ता है मल्टीपर्पस होता है होम लोन्स काफ़ी सारे पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं जैसे कि एक नया घर ख़रीदने के लिए ले सकते हैं एक नया घर बनाने के लिए ले सकते हैं रेनोवेट करने के लिए या फिर अपना जो करेंट हाउस है उसको और एक्सटेंड करने के लिए हम ले सकते हैं इसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होता है फिर है फास्ट प्रोसेसिंग होम लोन काफ़ी जल्दी अप्रूव अप्रूवल भी इन्हें मिल जाता है लॉन्ग टेन्योर इसको रीपे करने के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा समय होता है जैसे कि तीस साल से ज़्यादा भी हमें टाइम मिल सकता है टैक्स बेनिफिट और इसे इस लोन को लेने के बाद हमें टैक्स डिडक्शन भी मिलते हैं फिर नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स तो लोन्स को तीन कैटेगरीज़ में बांटा गया है शॉर्ट टर्म लोन्स शॉर्ट टर्म लोन्स मतलब कि ऐसे लोन्स जो कि एक साल से ज़्यादा के नहीं होते हैं इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी कम होता है मीडियम टर्म लोन्स जिसका जो लोन लोन जो होते हैं जो एक साल से तीन साल तक के बीच के होते हैं वो मीडियम टर्म लोन्स कहलाते हैं इसके अंदर थोड़ा हायर इंटरेस्ट रेट होता है शॉर्ट टर्म वाले से लॉन्ग टर्म लोन्स वो होते हैं जो कि तीन साल से ज़्यादा के होते हैं जैसे कि होम लोन अभी हमने पढ़ा और इसके अंदर भी लॉन्ग टर्म लोन्स के अंदर ज़्यादातर हाई इंटरेस्ट रेट होता है सो so, यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है आई होप आपको सब समझ आ गया होगा अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है थैंक्स फॉर वॉचिंग खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय